नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बेनर्स एजुकेशन पॉइंट पर आज का जो हमारा वीडियो है हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है जिसमें हमने एथिक्स सब्जेक्ट को लिया है चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर उसके पहले यदि आप हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारी वीडियो को दोस्तों में लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा के समाजशास्त्र एथिक्स शादी के नोट्स प्रारंभिक परीक्षा की फिफ्टी एफ एल टेस्ट सीरीज रामबाण पीडीएफ

किसी जीव की भी हिंसा न करना अहिंसा है सत्य हमेशा सत्य बोलना सत्य है अस्त्य किसी की भी किसी वस्तु को बिना पूछे उसके उठाना चोरी कहलाती है तो चोरी का त्याग करना अस्त है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य विवाह तो कर सकते हैं पर अपने अलावा अन्य स्त्रियों को माता एवं बहन की दृष्टि से देखा जाता है ब्रह्मचर्य अपरिग्रह संपत्ति अर्जित कर सकता है पर संपत्ति का से ज़्यादा संग्रह नहीं कर सकता इस प्रकार से पाँच अनु व्रत में अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य इन परिग्रह को परिग्रह को अपनाया गया है यह पांच महाव्रतों की भांति है परंतु ग्रस्तों के लिए इनकी कठोरता कम कर दी गई है इनमें नियमों का पालन करने में कठिनाई नहीं होती है जिस तो प्रकार से हमने पांच व्रत के बारे में जाना दूसरा हमारा जो टॉपिक है वह निर्वाण आत्मा का संसारिक से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन होने का जैन धर्म में निर्वाण कहा जाता है यह जीवन का उत्तम निर्माण की प्राप्ति यह बौद्ध धर्म में निर्माण का अर्थ अस्तित्व से मुक्ति है अष्टांगिक मार्ग के बारे में जानेंगे संबंधित इसका बौद्ध धर्म में से अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति का जो मार्ग बताया है उसे अष्टांगिक मार्ग कहती है सम्यक दृष्टि सम्यक बाक सम्यक संकल्प सम्यक कर्म सम्यक आजीविका सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति सम्यक समाधि अष्टांगिक मार्ग है एक अपना देखते हैं सम्यक दृष्टि सम्यक बाक सम्यक संकल्प सम्यक कर्म सम्यक आजीविका सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति संयम सम्यक समाधि आदि क्षय सूत्री विदेश नीति पर चर्चा करेंगे संबंध है इसका मौर्य काल से कौटल्य ने प्रतिपादित की थी छः सूत्री विदेश नीति इसकी अंग निम्न है पहला तो संबंध विग्रह यान आसन द्वधिभाव संशय इस प्रकार से छह अंग हैं छह सूत्री विदेश नीति के संधि विग्रह यान आसन द्व्यधिभाव एवं संशय आदि अर्थशास्त्र चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की आचार चारक के विचारक आचार्य चाणक्य द्वारा रचित मौर्यकालीन सामाजिक राजनीतिक आर्थिक विचारों पर आधारित ग्रंथ है अर्थशास्त्र प्रमुख विषय है विदेश नीति कूटनीति न्याय सिद्धांत आदि इनकी रचनाएं हैं गद्य व पद्य दोनों में की गई हैं पंद्रह से अधिकरण हैं अरबिंदो अरविंदो के जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं दार्शनिक राजनीतिक व्यक्तित्व रहा है अरविंदो जी का पत्र योगांतर एवं कर्मयोगी इनके पत्र रहे हैं रचनाएँ है, रचना है, हैं द लाइफ डिवाइस एस ऑन गीता सावित्री ह्यूमन साइकिल इस प्रकार से इनकी ये अपना रचनाएं योगनादित्य द लाइफ डिवाइन एस सी ओन गीता सावित्री र्यूमन साइकिल इनकी प्रमुख रचना है प्रमुख सिद्धांत इनके अध्यात्मवाद राष्ट्रवाद समाजवाद विकास की अवधारणा समग्र योग की अवधारणा इस प्रकार से इनके प्रमुख सिद्धांत हैं स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय के बारे में जानते हैं इनमें स्वामी विवेकानंद जी जो कि एक प्रचलित व्यक्तित्व रहे हैं उनके बारे में हम जानेंगे वास्तविक नाम था इनका नरेंद्र जी दत्त गुरु थे इनके श्री रामकृष्ण परमहंस संस्थान था इनका रामकृष्ण मिशन विचार थे इनकी दालवादी विचारधारा हिंदुत्व की एवं भारत की महानता में विश्वास रखते थे यदि देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी उदारवादी विचारधारा के धनी थे हिंदुत्व की एवं भारत की महानता में विश्वास रखते थे स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्धि का कारण बना था विश्व धर्म संसद में जो इनका वक्तव्य था वह इनकी प्रसिद्धि का कारण बना था स्वामी विवेकानंद जी की रचनाएँ हैं राजयोग ज्ञान योग धर्म तत्व धर्म रहस्य लेक्चर फ्रॉम कोलम्बो टू अल्मोड़ा इस प्रकार से इनकी प्रमुख रचनाएं थीं इसके बारे में भी हम जानेंगे मूल्य उन विश्वासों का संग्रह जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने दैनिक उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं केवल उन्हीं विश्वासों को मूल्य कहते हैं जिन्हें वांछनीय अच्छा या सही होने का तत्व विद्यमान होता है आप हमें फेसबुक पर यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर, पर ज्वाइन कर सकते हैं और इसी प्रकार यदि आप मेन्स की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप जल्दी जल्दी हमारी वीडियो को लाइक करें और बहुत से ज़्यादा शेयर करें तो उससे हमारे पास ये मैसेज पहुँचेगा कि आप हमारी मेन्स की श्रृंखला को जारी रखना चाहते हैं भ्रष्टाचार को दूर करने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं सी बी सी सी आई डी एस सी बी आई आर टी आई लोकपाल लोकायुक्त तो और प्रशासनिक सुधार आयोग भ्रष्टाचार को दूर करने वाली कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जिसमें हम सी बी सी के बारे में जानेंगे स्थापना उन्नीस सौ में की गई थी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है संथानम कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना इस की गई थी उद्देश्य राजपत्र लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों की जाँच करना परामर्शदायी संस्था है सी बी सी सत्यनिष्ठा के बारे में जाने की सत्यनिष्ठा नैतिक सिद्धांत और व्यवहार की सुसंगतता है सत्यनिष्ठा कथनी और कन्नी में अंतर न होना बाहरी दबाव का न आना अपनी गलतियों को स्वीकार करना सत्यनिष्ठा के अंतर्गत आता है प्रकार है व्यक्तिगत सामाजिक पेशेवर उदाहरण गांधी जी और गुण की कहानी लोक सेवकों का आवश्यक गुण है सत्यनिष्ठा इसके बारे में अपना जानते हैं नैतिक सिद्धांत तो व्यवहार की सुसंगतता है सत्यनिष्ठा कत्नी और कन्नी में अंतर न होना बाहरी दबाव न आना अपनी गलतियों को स्वीकार करना है सत्यनिष्ठा प्रकार है इसके का सामाजिक पेशेवर उदाहरण है गांधी जी और गुण की कहानी सत्यनिष्ठा का उदाहरण है लोक सेवकों का आवश्यक गुण कहलाता है सत्यनिष्ठा नोलान कमेटी सन उन्नीस में ब्रिटिश पीएम जोन मेजर के कार्यकाल में नौलान लान की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ जिस कमेटी ने उन्नीस सौ में लोक सेवक को निम्न गुणों की अनुशंसा की थी वह उन गुणों के बारे में चर्चा करते हैं पहला गुण तो है ईमानदारी एक लोक सेवक में ईमानदारी का गुण प्रमुख रूप से होना चाहिए दूसरा सत्यनिष्ठा का गुण भी होना चाहिए तीसरा वस्तुनिष्ठा चौथा जवाबदेहता अर्थात जिम्मेदारी का पांचवा पारदर्शिता का गुण होना चाहिए जो है सो स्पष्ट है इस प्रकार से एक लोक सेवक में ईमानदारी सत्यनिष्ठा वस्तुनिष्ठता जवाबदेहता पारदर्शिता के गुण होना चाहिए क्षणिक बात की बारे में चर्चा करेंगे बुद्ध की शिक्षाओं में से एक है क्षणिक बात संसार की समस्त वस्तुएं क्षण-क्षण में बदलती रहती हैं क्षणिक बात का उदाहरण है, है। परिवर्तन संसार का नियम है हर वस्तु नश्वर है बीजक कबीरदास के मतों का पुराना प्रमाणिक संग्रह है बीजक 84 रमेनिया चौपाई छंद में लिखी गया है बीजक कबीर की रचना है साखी सबद और निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है रमेणी कवि की जो रचनाएं हैं पहली तो है दूसरी शब्द तीसरी निर्गुण भक्ति धारा से जो संबंधित है वह है रमेणी अरस्तु के चार कारक उपादान निमित्त आकार की लक्ष्य इस प्रकार से अरस्तु के चार कारकों के बारे में जानो उपादान निमित्त आकार की लक्ष्य कवि की रचना साखी सबद रमेणी बीजक कबीरदास के मतों का पुराना और प्रमाणिक संग्रह है चौरासी रमेनिया चौपाई छंद में लिखे गए हैं क्षण बाद बुद्ध की शिक्षा में है संसार की समस्त वस्तुएं क्षण में बदलती रहती हैं यह संसार नश्वर है परिवर्तन संसार का नियम हर वस्तु नश्वर है नोलान कमिटी के अनुसार एक लोक सेवक में ईमानदारी सत्यनिष्ठा वस्तुनिष्ठा जवाबदेह तथा पारदर्शिता आदि गुण प्रमुख रूप से होना चाहिए सत्यनिष्ठा नैतिक सिद्धांत तो व्यवहार की सुसंगतता है कथनी और करनी में अंतर न होना बाहरी दबाव में न आना अपनी गलतियों को स्वीकार करना व्यक्ति का सामाजिक पेशेवर इसके प्रकार है उदाहरण है गांधी जी और गुण की कहानी सेवकों का आवश्यक गुण है सत्यनिष्ठा सीबीसी के बारे में भी जाना जिसकी स्थापना उन्नीस सौ चौंसठ में की गई थी हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है संथानम कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी उद्देश्य राजपत्रित लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों की जांच करना परामर्शदायी संस्था है सीबीसी भ्रष्टाचार को दूर करने वाली संस्थाओं के बारे में भी हमने जाना जिसमें प्रमुख सी बी सी सी आई डी एस बी आई सी बी आई आर टी आई लोकपाल लोकायुक्त तो प्रशासनिक सुधारक भ्रष्टाचार को दूर करने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं मूल उन विश्वासों का संग्रह जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने दैनिक उद्देश्यों में लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं केवल उन विश्वासों को मूल्य कहते हैं जिनमें वांछनीय अच्छा या सही होने का तत्व विद्यमान होता है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी हमने जाना स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था गुरु उनके श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे संस्था रामकृष्ण मिशन है विचारोदारवादी विचारधारा हिंदुत्व की एवं भारत की महानता में विश्वास प्रसिद्धि के कारण है धर्म संसद स्वामी विवेकानंद जी की रचनाएं राजयोग ज्ञान योग धर्म तत्व धर्म रहस्य लेक्चर फ्रॉम कोलम्बो टू अल्मोड़ा यह प्रमुख रचनाएं हैं स्वामी विवेकानंद जी की अरविंदो का जीवन परिचय के बारे में जाना दार्शनिक राजनीतिक व्यक्तित्व रहा है पत्र युगान्तर कर्मयोगी इनकी प्रमुख पत्र हैं रचनाएं द लाइफ द बाइन ऑन गीता सावित्री द ह्यूमन साइकिल प्रमुख सिद्धांत अध्यात्मवाद राष्ट्रवाद समाज विकास की अवधारणा समग्र योग के अवधारण के प्रमुख सिद्धांत हैं छह सूत्री विदेश नीति का संबंध मोटकाल से है कौटल ने प्रतिपादित की थी छह सूत्री विदेश नीति अंग है संधि विग्रह यान आसन द्वैधिभाव संशय अष्टांगिक मार्ग संबंध बौद्ध धर्म से संकल्प न महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति का जो मार्ग बताया है उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं सम्यक दृष्टि सम्यक बाक सम्यक संकल्प सम्यक कर्म सम्यक आजीविका सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति सम्यक समाधि अष्टांगिक मार्ग है निर्माण आत्मा का सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन होने को जैन धर्म में निर्माण कहा है जीवन है। बहुत का अंतिम उद्देश्य बौद्ध धर्म निर्माण का अर्थ अस्तित्व से मुक्ति है व्रत के अंतर्गत हमने अहिंसा सत्य अस्थ्य ब्रह्मचर परिग्रह के बारे में भी जाना आप सी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हम आशा हमारा सक्य अंग हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे और जल्दी जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस करेंगे जो कि बहुत ही फायदा हमें उपलब्ध हैं राम मार्ग पी आप परचेस कर सकते हैं समाजशास के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं कुछ समय में लोग प्रशासन से संबंधित नोट्स भी आने वाले हैं उन्हें भी आप परचेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए जो हमारे नोट्स हैं यदि आप लेते हैं तो आपकी सफलता की गारंटी हंड्रेड परसेंट बढ़ जाती है और इसमें आप फिफ्टी या पहले टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं जिसके पास साथ आपके पास पाँच प्रश्नों का समावेश हो जाएगा एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण पी भी प्राप्त कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद